फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं आपके साथ एक बहुत अच्छी सी रेसिपी को शेयर करने जा रही हूँ। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ आप लोगों ने क्या करना है। आप लोगों ने सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद उसको शेयर करना है और बेल आइकन पे प्रेस कर देना है, ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप लोगों को सबसे पहले शो हो सके और आप उससे फ़ायदा उठाकर उसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छा, आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है चिकन स्लाइडर्स। उसके लिए सबसे पहले हमें डो तैयार करनी है। डो के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए, 2 कप मैदा, 1 टेबल स्पून ईस्ट, 2 टेबल स्पून शुगर लेकिन लिक्विड फॉर्म में, 1 टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून मिल्क पाउडर, 1 कप बटर और हसबे ज़रूरत नीम गर्म पानी। सबसे पहले हम मैदे में डालेंगे ईस्ट, 2 टेबल स्पून शुगर लिक्विड फॉर्म में, 1 टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून मिल्क पाउडर। अब हमने इसको मिक्स किया। पहले जो चीज़ें हमने इसके अंदर डाली हैं उसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये हमारा अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हमने इसके अंदर पानी थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करना है और अच्छी सी इसकी डो तैयार कर लेनी है। ठीक है, ये आप देखिए डो जब हमारी इस तरह से थोड़ी सी कुछ हो जाए बेहतर, इसके अंदर 1/2 कप बटर हम ऐड करेंगे। 1/2 कप बटर को ऐड करने के बाद हम इसको 5 मिनट मज़ीद इसको अच्छे तरीके से तैयार करेंगे। ये हमारी डो आप देखें, इस तरह से जब आपकी डो हो जाए अब आपने इसको रख देना है। इसका मतलब है कि ये डो हमारी तैयार हो चुकी है। अब इसको आपने 25 से 30 मिनट के लिए रख देना है कवर करके। अब हम चिकन स्लाइडर्स के लिए फिलिंग तैयार करेंगे। उसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए वो है 3 से 4 दरमियानी छोटी कटी हुई, छोटी साइज़ की कटी हुई प्याज, 1 बाउल बॉयल्ड चिकन, 1 बाउल वाइट सॉस, 1 कप या 1/2 कप आप ले लें ऑयल, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून काली मिर्च, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर और 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च और हसबे ज़रूरत पानी। सबसे पहले हम पैन में 1/2 कप ऑयल डालेंगे। अब जब ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए तो उसमें दरमियानी कटी हुई प्याज ऐड करेंगे। अब हमने प्याज को इतना पकाना है इसमें कि ये जितना भी प्याज है सब अलग अलग हो जाए, मतलब इसका कलर चेंज ना हो लेकिन थोड़ा सा अलग अलग प्याज हो जाए। ठीक है, इतना इसे पकाना है। ये प्याज आपको नज़र आ रहा है, ये अलग अलग हो गया है। अब हमने इसके अंदर सिर्फ नमक ऐड करना है और इसको मिक्स कर देना है। नमक ऐड करने के बाद इसमें हमने चिकन ऐड कर दिया। हमने सारे जितने भी हमारे पास मसाले थे वो इसलिए पहले ऐड कर दिए, पहले से नमक इसलिए किया ताकि हम जब इसके अंदर चिकन डालें तो हमारा चिकन कढ़ाई के साथ ला लेंगे। चिकन हमारा इसके अंदर अच्छे तरीके से मिक्स हो गया है। अब हमने इसके अंदर धनिया पाउडर, गरम मसाला, काली मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करके ये मसाले अब हमने इसको मिक्स कर लेना। हमने अच्छे से मिक्स कर लिया। अब हम इसके अंदर वाइट सॉस की 2 चम्मच डालेंगे, 2 टेबल स्पून वाइट सॉस। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हमारा अच्छे से वाइट सॉस इसके अंदर मिक्स हो गया। अब हमने फ्लेम को ऑफ कर देना। अब हमने कढ़ाई में से ये फिलिंग निकाल लेनी है। ये हमने कढ़ाई में से इसकी फिलिंग निकाल ली, हमारे पास फिलिंग रेडी है। अब हम जाएंगे डो की तरफ। अब ये ट्रे में हम ऑयल को ग्रीस कर रहे हैं। ठीक है, आप बटर भी कर सकते हैं, ऑयल भी कर। अब हम ये ट्रे में ऑयल को ग्रीस कर रहे हैं, आप बटर को भी ग्रीस कर सकते हैं, घी
को भी कर सकते हैं और ऑयल को भी कर। ये हमने ट्रे को अच्छे से ग्रीस कर दिया है, अब हम ट्रे को साइड पे रख देंगे। ये हमारी डो राइस हो चुकी है, अब हम इसमें पंच मारेंगे ताकि इसमें जितनी भी एयर है वो निकल जाए इस तरह से। अब हम इस डो के छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे इस तरह से। और हम इसको ट्रे में रख देंगे इस तरह। इस तरह से ये सारे हमारे बॉल्स रेडी हो चुके हैं। दो कप में से आपके 6 बॉल्स बनेंगे। अब हम इसको 10 मिनट के लिए कपड़े से कवर करके रख देंगे। अब ये हमारे जो बॉल्स थे, जो डो थी, वो राइस हो चुकी है। अब हम इसको इसी तरह ओवन में बेक होने के लिए रख देंगे। अब हम इसको ओवन में 1 सेंटीग्रेड पे भी अब हम इसको 25 मिनट के लिए रख। ये हमारा बेक हो गया, ये देखिए कितना सॉफ्ट बना है। अब हमने इस ट्रे में से इसको निकाल लेना है। ये हमारे बेक हो गए, अब हम इनको सीधा करके आपको दिखाते हैं। अभी इस पे ये थोड़ा लाइट कलर आया है, अभी हम इसको दोबारा फिल करके दोबारा इसको बेक करेंगे तो इसका कलर बहुत अच्छा आ जाएगा।